सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर, मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का न इंतजार कर, स्वयं को दबाकर स्वर्णिम बना, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर। नमस्कार, मैं मीनाक्षी रावत आप सभी के समक्ष आज के विषय हम भारत के लोग पर अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। 74 साल पहले हम लोग सुई बनाते थे, रुई बनाते थे, मगर आज हम रॉकेट बना रहे हैं, चांद और मंगल का चक्कर लगा रहे हैं। और जो दुनिया हमें मदारी और सपेरों का देश बुलाती थी, अरे भारत की बेटी बेटी आज वह दुनिया चला रहे हैं। हम भारत के लोग एक ऐसे देश में रहते हैं जो स्वतंत्र है, पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष व अखंड है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इनमें से कितनी बातें हम सब समझ सकते हैं या कभी समझने की ज़रूरत समझी है? एक वह समय था जब हम अंग्रेज़ी हुकूमत के गुलाम थे, तब भी हमारे देश के वीर जवानों ने, अमर क्रांतिकारियों ने शहीदों के एक एक नारे पर टोलों का टोला सर्वस्व निछावर कर दिया। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, परंतु अपना कर्तव्य निभा जाते थे। किंतु आज हम एक आज़ाद भारत में निवास करते हैं। आज आवश्यकता नहीं अपने देश पर मर मिट जाने की, अपितु आज अगर हम अपने निजी कार्यों को भी सच्ची लगन, सच्ची मेहनत व ईमानदारी से करें तो वही काफ़ी है। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद में इसका उल्लेख मिलता है, वयम राष्ट्रम जाग्रिये, अर्थात हम इस राष्ट्र को जगाने वाले हैं, हम इस राष्ट्र के प्रहरी हैं। लेकिन आज जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है, आज जब फंसे लोगों की जान बचाने से ज़्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइक्स बढ़ाने में लगे रहते हैं, आज के इस दौर में वह युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी है अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने राष्ट्र की आशाओं की, वही युवा अब 4-4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र से ही अपनी भावनाओं का इमोजी भेज रहा है। एक बीमारी भी हम अपने देश में देख पाते हैं। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई पैदा होते हैं, मगर दुख की बात है कि अब इंसान पैदा नहीं होते। एक शैक्षिक बीमारी भी हमारे भारत में मुझे नज़र आती है। और बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा देकर विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी, आज विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं होता। मैं हमारे भारत के लोगों से बस इतनी सी बात कहना चाहूँगी कि कागज़ की नाव तो छोड़ दी हमने, अब समंदर की बारी है, अर्थात अपने घर और अपने परिवार के साथ साथ हमें अपने पूरे भारत को संवारना है। हमें अपने देश की प्रगति में, अपने देश की विकास में अहम भूमिका निभानी है। अंत में एक कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी। जब गली गली और गांव गांव ज्ञान दीप जल जाएगा, जब गली गली और गांव गांव ज्ञान दीप जल जाएगा, लड़का लड़की और दहेज का हर बंधन कट जाएगा, राष्ट्र हित के पुलकित स्वर में जब शंखनाद हो जाएगा, सच कहती हूँ भारत सोने की चिड़िया हो जाए। कहाँ गई वह नैतिकता बचपन में तुमने सीखी थी, मानवता की नेक दुहाई ग्रंथों से जो फेरी थी, उठो धरा के वीर सपूतों पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो। जय हिंद।